ये किसी का आई थिंक सर का वो है स्केलेटन। हेलो एवरीवन, तो यार अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बज रहे हैं और हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है रैथल से, और वो कुछ वहाँ से शुरू होता है ट्रैक, फॉरेस्ट का वहाँ पे गेट है और सामने उधर पीक से पड़ी हुई है बर्फ, और ये जा रही है ट्रेल पूरा ऊपर बुग्याल के लिए। तो परमिट ले लिया है, गाइड ले लिया है, मतलब जहाँ मैं रात होम से किया था वही गाइड है, तो उस वही साथ जा रहे हैं, उसी के साथ जा रहा हूँ, साथ चढ़ जाए बोलते हुए। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे आज बुग्याल तक, और बुग्याल में ही ये जो गाइड हैं इनकी कैंपिंग साइट है, तो आज बुग्याल में रुक जाएंगे, गुई में नहीं रुकेंगे, और कल सुबह वहाँ से बकरिया टॉप, और उसके बाद कल को वापस शाम तक रहते हैं। नज़ारे देख रहे हो यार कितने सही हो रहे हैं, और ये पूरी ट्रेल है ऊपर तक। तो यार अपना ट्रैक का पहला ब्रेक के लिए रुके हैं अभी, और ज़्यादा कुछ नहीं, पानी पिया है और कुछ बिस्किट्स वगैरह खाए हैं, और कुछ ऐसे हो रहे हैं यहाँ के नज़ारे। पूरा ओपन ग्राउंड है, ग्राउंड टाइप है मतलब, और अच्छा है यार बैठने के लिए, धूप अच्छी लग रही है यहाँ पे बैठने के लिए। ऐसी जगह में यार अगर बर्फ़ पड़ी हुई हो ना इस टाइम तो मतलब नज़ारे और भी डबल हो जाते हैं, पर यह है कि यार हर वेदर का अपना अलग अलग मज़ा है। बर्फ़ में फिर आप यहाँ पे ज़्यादा बैठ नहीं सकते हो, अभी आराम से बैठ रखे हैं, धूप सेक रहे हैं, तो उस टाइम वो चीज़ सब पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है अलग अलग मज़े हैं हर चीज़ के यार। यार अब इतना सांस नहीं चढ़ रहा है, पहले जो चढ़ना था चढ़ चुका, अब बॉडी बहुत यूज्ड टू हो गई है इससे। शुरू शुरू में तो किसी भी ट्रैक में करोगे थोड़ा सा सांस जरूर चढ़ेगा, बट थोड़ा चलने के बाद 800 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर बॉडी बहुत यूज्ड हो जाती है। तो यार अभी अपना ट्रैक रफली 2 किलोमीटर हो चुका है, और 2 किलोमीटर और रह जाता है यहाँ से गुई पॉइंट पहला, वहाँ पे एक लेक भी है गुई लेक, और उसके आगे फिर 3 किलोमीटर दयारा टॉप है, बस वहीं तक जाना है आज। तो यार ये वाला जो ट्रेल बनी हुई है ना, मेरे को जस्ट अभी याद आया, ये हिमाचल में बिजली महादेव का ट्रैक है, टेंपल तक जाता है, तो ये सेम वैसी ट्रेल है पूरे प्रॉपर इसमें, क्योंकि ये पत्थर वगैरह से पूरी ट्रेल बना रखी है ना, तो वहाँ पे भी सेम ऐसी है ये। ट्रैक में जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि पानी नहीं है, तो ऐसा सीन है कि यार ट्रेल में साथ साथ तो आपको सामने तो नहीं दिखेगा पानी, तो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होके जाना पड़ता है तब मिलेगा पानी, तो अभी हम भी यहाँ पे पानी ही भर रहे हैं, और अभी आपको दिखाता हूँ कि मेन जो ट्रेल है उससे कितना लेफ्ट राइट जाना पड़ता है, तो ये पहला पानी का पॉइंट मिलेगा। एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा जब जहाँ पे ट्रैक स्टार्ट हो रहा है,
जहाँ पे फॉरेस्ट का गेट लगा होता है उससे जस्ट 100 मीटर ही चलोगे तब मिल जाएगा आपको। और उसके बाद अब एक ये है दूसरा, एक्चुअली ऊपर बर्फ़ जम रखी है बहुत ऊपर ऊपर, तो आजकल पानी नहीं आ रहा सर्दियों में। तो ये वो ट्रेल है और ये सामने पूरा मेन कैंप है, उसके साइड से ये ट्रेल है। तो ये जा रही है वहाँ तक। तो यार अभी अप्रोक्स 3 किलोमीटर आने वाले होंगे, हो ही गया होगा शायद, या 100 मीटर कम होगा 3 में। और अभी पूरी ट्रेल पे मैं अकेले चल रहा हूँ, नीचे कोई नहीं है, गाइड भी अभी नीचे रुक रखा है, धीरे धीरे आ रहे हैं, वो भी रुक गए थे, दो लोग और आ रहे हैं। अब पता है यहाँ पे जंगल में जैसे भी आजकल पेड़ सूख रखे हैं ना थोड़े थोड़े, तो जैसे ही कहीं कोई पत्ते वगैरह गिरते हैं ना तो एकदम से उसकी आवाज़ आती है काफ़ी, एकदम से लगता है कि कोई आ तो नहीं गया कहीं, तो थोड़ा सा वैसा है। और ऐसे ट्रेल पर अगर यार रात को चलोगे ना अकेले, थोड़ा सा शाम के टाइम में 4-5 बजे, और फिर इस टाइम अगर ऐसे पत्ते गिरेंगे और ऐसी आवाज़ आएगी तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं चल पाओगे। तो यार अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 1 बज गए हैं, और कुछ ऐसे हो रहे हैं नज़ारे। अब जितना जितना हाइट पे जा रहे हैं उतना कुछ नए नए नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल शांति है, कोई नहीं है। मैक्सिमम यार रश थोड़ा था नवंबर एंड और दिसंबर में तो खैर हो ही जाता है, पर इस साल अभी एक्चुअली बर्फ़ नहीं पड़ी है इतनी, तो नहीं है, मतलब है ही नहीं लोग कुल। अभी हम लोग ट्रैक पे 3 लोग आ रहे हैं, तो सोच सकते हो मतलब ना के बराबर रश है। और इसी टाइम पे सेम मैंने लास्ट ईयर केदारकंठा किया था 9 नवंबर को, तो वहाँ बहुत स्नोफॉल थी, मतलब 2 या 3 फिट तो थी जहाँ पे ट्रेल थी, और उसके अलावा बाकी 5, 6, 7 फिट बर्फ़ पड़ रखी थी। ऊपर तो समिट के आसपास 10-10 फिट बर्फ़ भी थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे नहीं है स्नोफॉल उतनी। तो यार फाइनली गुई पहुँच चुके हैं, और ये है पूरी गुई की कैंप साइट, और यहाँ पे जो थोड़ा सा वो दिख रहा है यहाँ पे है नीचे गुई लेक, तो अभी वहाँ भी जाएंगे। और अगर ऊपर दिख रहा होता है वहाँ पे सामने थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रखी है, और ये यहाँ पे ऑलरेडी ढाबे हैं, अभी ये बंद हैं क्योंकि रश नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी वो ढाबे वाले भैया नीचे से आ रहे हैं, यहाँ वाले भी और दयारा टॉप वाले भी, तो अब देखते हैं कब आएंगे, फिर कुछ खाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, आज दयारा टॉप ही स्टे करना है हमें। और देखो ये है छोटी छोटी सी हट बनी हुई है, तो अगर कोई एक या दो लोग आ रहे हैं ना सोलो, एक या दो लोग सोलो, सोलो नहीं मतलब अगर दो लोग आ रहे हैं या कोई सोलो सोलो आ रहा है तो वो लोग बड़े इजीली यहाँ पे उनका स्टे मैनेज हो जाएगा। और ये देखो यार ये असली है भैया, किसका है ये? ये होगा भैंस का, भैंस का, भैंस का। तो ये यहाँ कैसे है? ये मर जाते ना जानवर, मर जाता ठंड से, उसके सर नहीं खाता कोई जानवर, हमेशा हड्डियाँ खाता। हाँ हड्डियाँ खाते, तुम भी खेना था बार खड़ी गाड़ी है देख लो, मतलब पूछो गाड़ी तो कहीं चली, हम क्या क्या देख रहे हैं। चली एक पड़ता है ना तो कपड़ा लाइन बाद ही गाड़ी तो कौन बीच में साधन से टाइम पर ना सही। ये देख रहे हो ये इसके दांत हैं, ये देखो ये दांत हैं उसके, भाई साहब मतलब कपड़ा लाइन बाद ही बोली कि मिट्टी का जो रे उन उतर कर तुम्हें पहुंचा दे। क्या क्या देखने को मिल रहा है पुराना बेटी ना जन चली
देखो ये कैसे बनाते हैं वुडन की ना, पेड़ को काट के कुछ जुगाड़ बना रखा है बस। अच्छी सी लगती है यार, मतलब ये ना छोटी छोटी सी हटी आती है पर ठंड में इनमें बहुत कड़क लगती है एकदम। तो यार अभी हम जा रहे हैं गुई का लेक देखने, और ये देखो ये किसी जानवर की हड्डी पड़ी हुई है, एक ये भी है, इसका मतलब यहाँ पे जानवर वगैरह काफ़ी आते हैं। और देखो एक ये भी पड़ी हुई है, मतलब ये काफ़ी पुरानी होंगी आई गेस। थोड़ा सा डर भी लगता है यार पता ये सब देख के ना, मतलब। और अब ये है वो देखने की चीज़ गुई लेक। अभी तो यार लेक पूरा मेल्टेड है ये, और थोड़ा मड वाला वाटर है इसमें। जो जो केदारकंठा में जूड़ा का तालाब है ना, वहाँ पे भी मतलब वो भी लेक है ऐसा, तो उसमें पानी ऐसा नहीं रहता है, मड वाला नहीं है उसमें पानी, उसमें पानी की थोड़ा सा साफ दिखेगा। और वो तो खैर फ्रोजन ही रहता है, काफ़ी टेम्परेचर का भी फ़र्क है फिर दोनों जगह में। और यार यहाँ तो बहुत सारी हड्डी पड़ी हुई है ऐसी, देखो ये देखो, इसका मतलब है जो जानवर आते होंगे ना वो इस स्पॉट पे ज़रूर आते होंगे, वो यहीं खाते होंगे और खाने के बाद फिर वो यहाँ से पानी पी के जाते होंगे ज़रूर। और ये दो मैगी बनाई है हमने, बहुत भूख लग रही है, तो बस मैगी खाएंगे और सामान कर।